नरक और स्वर्ग क्या है? तो बोले नरक और स्वर्ग असल में व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है, अपने कर्मों का परिणाम है। और जब कर्म हम खुद करते हैं तो उस पर हम भगवान पर भी बोझ नहीं डाल सकते कि करने वाले तो भगवान है, करने वाले भगवान है, लेकिन भगवान ने बुद्धि दे के, मति दे कर के हमें जीवन में निर्णय लेने का अवसर भी दे दिया है। भगवान इस दुनिया में जिसको जन्म देते हैं उसको साथ में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देते हैं कि तुम जैसा चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो। अब अगर जीव गलत करके उसको भगवान के ऊपर डाले कि भगवान ने चाहा था इसलिए हो गया, भगवान करा रहे इसलिए हो रहा है, तो इसका कभी भगवान समर्थन नहीं करते। ये बात उनके लिए तो ठीक है जिनका जीवन का हर एक क्षण हर एक पल सुख दुख सब कुछ भगवान के लिए, वो ये बात कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। मीरा के लिए विष आया जहर आया तो मीरा ने कह दिया भगवान ने गिरधर ने भेजा है, जबकि भेजा राणा ने था। पर भगवान ने भेजा ये कहने वाली बात नहीं थी। एक तो होती है जुबान से कह देना, एक होती है दिल में सचमुच मानना। मीरा दिल से मानती थी इसलिए उस विष ने भी मीरा को अमृत जैसा फल दिया। लेकिन संसार जगत के जो साधारण लोग हैं जब उनसे कोई अच्छा बढ़िया काम हो जाता है, पुण्य हो जाता है, तो वो कहते हैं हमने किया है, और जब कोई गलत काम हो जाता है तो कहते हैं भगवान कराने वाले, भगवान ने किया है। वो एक दृष्टांत आता है कि एक कोई ऋषि थे, आश्रम में रहते थे, उन्होंने अपना बढ़िया आश्रम बना रखा था, फूल पौधा पेड़ वृक्ष कुटिया सब अच्छा सुंदर बागान बगीचा सब बना रखा था। उसमें एक गाय रख रखी थी तो महात्मा जी गाय की सेवा भी करते थे। तो एक दिन थोड़ा गाय कहीं ले जा रहे थे, जा नहीं रही थी, हिल नहीं रही थी, तो महात्मा जी ने गुस्सा में आके एक डंडा लेकर के उसके ऊपर मारा, सर पे मारा, और जैसे सर पे मारा तो उस गाय की मृत्यु हो गई। अब गाय की मृत्यु हुई तो ये तो बड़ा भारी पाप है, अपराध है, गौहत्या। तो दंड देने की बारी आई, यमराज ने कहा कि इनको दंड दिया जाए। तो ऋषि बोले काय का दंड? बोले आपने, आपके हाथों से गाय की हत्या हुई है। तो ऋषि ने तर्क क्या दिया? बोले हाथ, हाथ का जो देवता होता है वो इंद्र होता है, तो इसका मतलब है कि पाप हमारे हाथ ने नहीं किया, इंद्र ने किया है, तो इसलिए दंड भी इंद्र को ही मिलना चाहिए। अब यमराज जी भी चुप हो गए कि चलो इंद्र से पूछते हैं। उन्होंने जाके इंद्र देवता को कहा कि इंद्र देवता एक मामला आया है जिसमें ऋषि कह रहे हैं कि आपने दंड किया, आपने गौहत्या करी है, क्योंकि आप कहते हैं आप हाथ के हस्त के देवता हैं। तो वो ऋषि कह रहे हैं कि ये पाप, ये गौहत्या इंद्र ने करी है, नरक उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं। इंद्र ने सोचा ये अच्छा मामला आप फंसा, हमने तो ना गौहत्या करी ना कोई मारा, फिर भी हम पर सर पर आ पड़ी, तो चलो आए। इंद्र आया, इंद्र ने आकर के उन ऋषि से कहा कि किसने मारी गाय? बोले हमारे शरीर ने ही मारी, लेकिन ये हाथ तो आपका है, आप इसके देव हैं, तो इसका मतलब कि गौहत्या भी आपने करी। इंद्र ने कहा अच्छा हमने मारी? बोले हाँ। इंद्र बोला ये आश्रम बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, चारों तरफ बड़ी हरियाली है, फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, सुंदर सुंदर बेल लगी है, इतना सुंदर आश्रम ये बनाया किसने? तो ऋषि झट से बोल पड़े कि मैंने बनाया, मैंने अपने हाथों से एक एक पेड़ लगाया,
एक एक फल का जो पौधा है ये मैंने अपने हाथों से लगाया है। तो इंद्र देवता ने हंस करके कहा कि पौधे तो तुमने अपने हाथों से लगाए और गाय हमारे हाथ ने मारी है। मतलब जो अच्छा काम करो तुम्हारा और जो बुरा काम सो हमारा। इसलिए अगर जब तुम्हारे हाथ को पुण्य मिलना चाहिए तो पाप भी तुम्हारे ही हाथ को मिलेगा। कहीं तुम सोच रहे हो कि इस पाप का भागीदार कोई और बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। इस संसार में जो जैसा बीज बोएगा परिणाम उसको स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए नरकों का विधान, नरकों का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि जब आप किसी को कष्ट देंगे वो कष्ट आप पर आएगा, आप किसी को प्रसन्नता देंगे वो प्रसन्नता आप पर आएगी, जब आप किसी को मारेंगे वो मारना एक दिन आपके ऊपर आएगा। किसी से पाप बन गया कभी जीवन में, कभी एक बार और उससे लगा कि ये पाप का पश्चाताप करना है। इसमें समझने वाली बस बात यह है, जो लोग बार बार जान बूझ कर के पाप करते हैं ना, उनका कोई दुनिया में पश्चाताप नहीं। जो जान बूझ कर के बार बार करें, एक बार हुआ, दो बार हुआ, एक ही कहते हैं ना, एक ही जगह पर बार बार हथौड़ा मारोगे तो चीज़ टूटेगी। कोई पाप एक बार गलती से हो गया, उसके बाद पश्चाताप करने के बाद कि अब हम ये पाप नहीं करेंगे, उनके लिए विधान भागवत जी में बताया है। और वो विधान क्या है? विधान एक ही है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कि पश्चाताप का एक ही उपाय है, हरि के नाम का जो सुमिरन करेगा, हरि के नाम का जो जाप करेगा, उन पर भगवान की कृपा होगी, उन पर श्री ठाकुर जी की कृपा होगी, नाम भगवान की कृपा होगी। कल भी कहा था कि दुनिया में और कोई काम आप करो ना करो, पूजा भी करोगे तो उसमें भी हमारे पास बहाना होता है कि जी पूजा में तो पंडित जी ने बता दिया फूल चाहिए, फल चाहिए, मिठाई चाहिए, दक्षिणा चाहिए, दान में भी यज्ञ में भी सब में पैसा लगता है, भगवान की घर में लड्डू पाल भी रखो तो उनके लिए वस्त्र लाओ, कपड़ा लाओ, श्रृंगार लाओ, इसमें भी पैसा लग रहा है, उत्सव करो। लेकिन एक सेवा ऐसी है जिसमें कोई धन का व्यय नहीं है, कोई तन का व्यय नहीं है। कह रहे हैं कि नाम जाप करने में ना आपको अगरबत्ती लगती, ना फूल लगता है, ना कोई सिंहासन की जरूरत है। जी भी आपका सिंहासन है, उस पर नाम भगवान विराजमान हो जाते हैं। और जब नाम जापक उस नाम को जपता रहता है तो उसके हृदय में श्री ठाकुर जी का प्रागट्य भी होता है। और उसमें भी अगर बात इस युग की करें, कलयुग की, तो इस युग में तो सब शास्त्रों ने गाया, सब महापुरुषों ने गाया, क्योंकि सब जानते थे ये कलयुग है, ये कली का युग है। इस कली के युग में भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बड़ी लंबी है, उस पर चढ़ते 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 आदमी कितना भी प्रयास करे, कभी ऊपर चढ़ते चढ़ते पांव फिसल गया तो नीचे आकर के गिरेगा। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे सहजता में भगवान तक पहुंचा जा सकता है और गिरने का डर भी ना हो? गिरेंगे भी तो भी जिन नाम भगवान की शरण वो शरणागत ग्रहण करता, वो नाम भगवान ही उसको बचाएंगे गिरने पर भी। पर
देखो नाम भगवान का जाप तो कई लोग करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था, एक होता निष्काम एक होता सकाम। एक तो ये है कि पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और भगवान से उसके बदले में करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, तो ऐसे नाम जापक को कभी भी नाम का आनंद नहीं पता लगेगा। पर जिसके मन में इतना भी नहीं है कि हम भगवान का नाम जाप करें, हमें कुछ स्वर्ग मिल जाए, हमको भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, उस नाम जापक को नाम की वास्तविकता पता चलती है। और उन्हीं नाम जापकों ने नाम की महिमा गाई है जिनके मन में भगवान से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। इस दुनिया में एक ही संबंध ऐसा है जिसमें कोई आशा नहीं रखी जानी चाहिए, बाकी तो सब में आशा है। कितने भी दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा रिश्ता हो, सब में आशाएं हैं, सब में उम्मीदें हैं, कुछ पाने की उम्मीदें हैं। आज तुम किसी को कुछ देना बंद कर दो, कल से उनका असली चेहरा देख लेना। लेकिन एक रिश्ता है जिसमें कोई आशा नहीं है, उनकी ओर से तो नहीं है, भक्त जो सच्चा है उसकी ओर से भी नहीं होती, पर जो मानते हैं कि हम भक्त हैं, जो है नहीं असल में, वो लोग आशा रखते हैं।